से गुजर रहे थे तो तुम्हारे विद्यालय को उन्होंने देखा और देख के लगा कि इसमें कुछ बच्चे अच्छे होंगे जो सुनने वाले होंगे, श्रोता होंगे अच्छे। ये साहस की बात है, हिम्मत की बात है क्या बस की बात? एक ऐसी साइकिल बिना इंजन वाली पैडल मारना है और पूरे देश में चलना है। इनके साहस को सलाम है मेरा। कितनी हिम्मत है कि एक व्यक्ति पूरे भारत के टूट, भारत हमारा छोटा नहीं है, एक छोटा सा वर्ल्ड है, विश्व है। भाई नंदी घोष जी को मैं दे रहा हूँ माइक, तुम्हारे सामने ये अपनी बात कहेंगे, अपने अनुभव से तुम्हें अवगत कराएंगे। सबसे पहले तो आपके जो अष्ट शहीद इंटर कॉलेज के जो गुरुजनों हैं, जो टीचर्स हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। मुझे सैकड़ों बच्चों को अपनी बात सुनाने के लिए मौका दिया है आपके कॉलेज में आकर। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चे देखकर दिल खुश हो गया है। ताली बजा दो, ताली बजा। और मेरे तरफ से मेरे सारे भाई बहनों को मेरी आशीर्वाद है। और मैं बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम नंदी घोष खमारी है। मैं उड़ीसा बरगढ़ जिला का एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं अपना ग्रेजुएशन खत्म करके जब मैं नौकरी करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तब मेरे मन में 2020 में ख्याल आया था कि मैं ऑल इंडिया टूर साइकिल में करूंगा और मेरे द्वारा जितना हो पाएगा बच्चों को मैं पेड़ पौधे लगाने के लिए मोटिवेट करूंगा। जब मैं ये टूर करने के लिए सोच रहा था उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे और इस टूर के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो मैंने क्या किया, 2 साल तक खेती बाड़ी की और कुछ पैसे इकट्ठा किया। और उन 2 साल में कोरोना काल भी आ गया था जो हम सब लोगों ने झेला है, देखा है। और उस टाइम पे हम सभी ने महसूस किया है कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। तो मेरा ये जो जर्नी है, मैं सितंबर 5 को टीचर्स डे के दिन शुरुआत की थी और इस मेरे जर्नी को आज तक 98 दिन हो चुका है। और इन 98 दिन में मैंने 2700 किलोमीटर इसी साइकिल को चलाकर आपके यूपी में आया हूँ। और अब तक 5 राज्य कवर कर चुका है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और बिहार। और आपके बिहार में आज मेरा 2रा दिन है और 2रा स्कूल है जो आपके अष्ट शहीद इंटर कॉलेज में मैं आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को देखकर, काफी मैंने भी नहीं सोचा था इतने बच्चों के सामने कभी बोलना पड़ेगा। आज सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके कॉलेज में आए हैं जो अच्छा लगता है। मेरे प्रयास है कि हमारे भारत वर्ष में मैं स्कूल और कॉलेज में जाकर के इस तरह मेरे अपने बात रख सकूं। और आज के जमाने में पर्यावरण सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में एक दिन में लाखों हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं क्योंकि कहीं पे खनिज खदान हो रहा है, कहीं पे सड़क बन रहा है। नए नए मकान बन रहा है, खेती के लिए दिन ब दिन जनसंख्या वृद्धि के कारण खेती के लिए जगह चाहिए जिसके चलते जंगल काटा जा रहा है। तो आप सभी के भविष्य के लिए, हमारे जो आने वाले नेक्स्ट जेनरेशन है उनके लिए हमें पर्यावरण को बचा कर रखना है। जिस तरह से कोरोना काल में हम सभी ने ऑक्सीजन के वैल्यू को देखा और कितना जरूरी है हमें ऑक्सीजन, इस सारे मद्देनजर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिसके चलते अगर पर्यावरण को बचाना है तो सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे अगर कोई काम किया जा सकता है तो वो है पेड़ पौधे लगाना। और मैं सभी आप सभी से पूछना चाहूंगा कि पेड़ पौधे आज तक किसी ने लगाया है क्या? हाथ खड़ा कीजिए जरा। अगर लगाए हैं तो अगर उस पेड़ जिंदा है क्या, तो उस पेड़ को देखकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। पेड़ हमें बहुत सारी चीजें देता है। क्या क्या देता है पेड़ हमें बताओ जरा। हम इंसानों को भी शहर में अच्छा नहीं लगता, जब हम बाहर जाते हैं, जब कहीं घूमने जाते हैं, रोड में ट्रेवल करते हैं, हरियाली देख के क्या लगता है, मन को शांति लगता है। हरियाली हमारे आंखों को भी शांत लगता है और मन को भी शांत लगता है। इसीलिए पेड़ पौधे जरूर लगाना। मैं आप सभी से एक वादा चाहता हूँ कि हम सब अपने
एक साल में अपने जन्मदिन पे एक पेड़ जरूर लगाएंगे। हम सब अपने जन्मदिन मनाते हैं अपने दोस्तों के साथ मिल करके, क्या करते हैं, चॉकलेट लाते हैं, केक लाते हैं, बहुत सारे गाने, म्यूजिक, डांस करते हैं, और बच्चे तो और भी कुछ करते हैं जवानों, लेकिन हम मिल करके क्या करना है, एक पेड़ लगाना है। तो आज हम एक प्रतिज्ञा लेंगे कि अपने हर जन्मदिन पे एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे। आज 13 दिसंबर 2022 मैं ये शपथ लेता हूँ कि अपने हर जन्मदिन पे एक एक पेड़ जरूर लगाऊंगा, और इसको भूलना नहीं है। आप सभी को उठाने के लिए मैं 2700 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए चलाकर आया हूँ, और अगर आप भूल जाएंगे तो मेरे इस प्रयास का क्या मतलब रहेगा। लगाएंगे भारत माता के। इस तरह जोशीला बच्चे देखकर मेरे बिना खाए भी मैं 200 किलोमीटर चला सकता हूँ। इस तरह बच्चों के साथ और प्यार मिलेगा तो ये इंडिया क्या वर्ल्ड टूर पे निकलेंगे। अभी फिलहाल इंडिया टूर खत्म करना है। थैंक यू वेरी मच। इतने बड़े दुख में भी मेरे बात को सुनने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो देखते देखते इतने दूर आ चुके हो, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया है तो प्लीज़ यार लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और जो लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो आपका भाई का चैलेंज आइकन यूट्यूब चैनल को, ताकि मुझे इस तरह का जोश मिलता रहे और इसी तरह जोश और होश के साथ आप लोगों को नए नए वीडियो ला पाऊँ। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।